हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि पर हम बनाएंगे राजगिरी आलू की पूड़ियाँ, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल आसान तरीके से, क्रिस्पी नहीं बनेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट पूड़ी बनेगी। आप नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई रेसिपी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ सामग्री ली है जो हमने आपको दिखाई है, ये जैसे जैसे डालूंगी आपको बताती जाऊँगी। 150 ग्राम हमने राजगिरा आटा लिया है, ये 125 वाला स्पून है, इसमें थोड़ा और ऐड किया था, और स्वादानुसार नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हमने छोटी चम्मच काली मिर्च ली है, जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काली मिर्च इसमें ज़्यादा है, बट मैं थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि छोटी चम्मच ली है। तो फ्रेंड्स, हमने अदरक कद्दूकस किया हुआ, आप चाहे तो मिक्सी में पीस सकते हैं, नहीं तो कद्दूकस कर लीजिए। बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 ली है, और वो भी इसमें डाल दूंगी क्योंकि हमको बनानी है बिल्कुल चटपटी सी पूड़ियाँ, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने लाल मिर्च जो कुटी हुई होती है ना, जो सूखी लाल मिर्च है, उसको दरदरा पीस लिया है, मोटा मोटा सा। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, ये डाल देना है। और साथ में बारीक कटा हुआ धनिया इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। सारे मसाले हमने बराबर डाल दिए, और आपको मैं बताती जा रही हूँ, आप इसी अकॉर्डिंग बनाइएगा। जो 2 आलू हमने बॉईल किए थे, उनको थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। बिल्कुल एक लोज के लिए हमने इसमें आलू डाला है, इससे बहुत सॉफ्ट बनेगी पूड़ियाँ और बहुत टेस्टी भी बनेगी। अब दोनों हाथों से मसल मसल के अच्छे से इसको, जैसे हम नॉर्मल डो लगाते हैं, सेम उसी तरीके से लगाना है। और अच्छे से लगा के थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कीजिएगा, और उसको डो बना के बिल्कुल तैयार कीजिए। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा 1 चम्मच घी, जिससे कि इसका अच्छा सा, एक बोलते ना, अच्छा सॉफ्ट वाला लोच अच्छा सा हो जाएगा। और इसको हम करेंगे 10 मिनट के लिए कवर, क्योंकि कवर इसलिए करेंगे, जो रेस्ट लेंगे तो जो आटा अपनी शेप पकड़ लेगा और अच्छे से ये फूल कर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको रख दिया है 10 मिनट के रेस्ट पर, और फिर से हम हटा के देखते हैं, हमारा आटा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है पूड़ी बनाने के लिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब दोनों हाथों से हम इसको थोड़ा सा लोच देंगे, इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल हम एक जो रोटी बनाते हैं उसमें भी हम लोच देते हैं, वही चीज़ हमको इसी चीज़ के साथ करनी है। अब इसमें थोड़ा सा लोच देंगे तो ये बड़ा सॉफ्ट सा आटा रेडी हो जाएगा। आटा जितना सॉफ्ट होगा, पूड़ी उतनी सॉफ्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स, हमने लिया है कढ़ाई में तेल, इसको गर्म चढ़ाते हैं जब तक हम डो तैयार करते हैं। सभी पूड़ी हम बेलने के लिए डो तैयार कर लिए हैं, एक एक करके सभी डो तैयार कर लेंगे बिल्कुल परफेक्टली, इस तरीके से जैसे हम पूड़ी के बनाते हैं। इसमें और पूड़ी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल और चाहें तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको बेलते जाएंगे, ना हमने पॉलीथीन लगाई, ना हमने कुछ किया, और बोर्ड पे सीधा इसको बेल दिया है। थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें आटा भुरक कर उसको बेल सकते हैं, मैंने इसमें ऑयल नहीं लगाया है। अब मैं इसके अंदर पॉलीथीन, इट मीन्स हम आटे लगा रहे हैं, सूखा आटा जो लगाते हैं, दोनों तरफ लगा के इसको बेल लिया है। बिल्कुल परफेक्टली तो बेल गई है, आप चाहें तो इसको गोल करने के लिए कटोरी की शेप भी दे सकते हैं, और ये परफेक्ट बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बिल्कुल फुली फुली पूड़ियाँ बनने वाली है फ्रेंड्स। आप इस जो हम टिप्स बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं, उसी को फॉलो करें। अब हम चेक करते हैं, हमारा तेल गर्म हो चुका है अच्छे से, अब पूड़ी हम छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सावधानी से पूड़ी छोड़े, क्योंकि जो तेल है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। अब इसको प्रेस थोड़ा सा दबाते दबाते हम इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि हमारी पूड़ी फूलने लगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी अभी पूड़ी फूली नहीं है, इसलिए उसको पलट दिया है, और अब फूल के बिल्कुल रेडी हो गई है कचौरी की तरह। आप सभी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें, ये बहुत ही अच्छी बनने वाली है। सेम इसी तरीके से हम सभी पूड़ी उतार लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ना, हमारी पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूली फूली उतरी है। आपको इसी तरीके से बनानी है, ये टेस्ट में बिल्कुल स्वाद को दुगना कर देगी। जो मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इसका सिक्कर गोल्डन कलर हो जाता है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कलर की पूड़ियाँ उतर रही हैं, बहुत ही अच्छी उतर रही हैं और बहुत अच्छी फूली फूली बनी है।
फ्रेंड्स, राजगिरी की आटे की पूड़ी इस तरीके से जिसमें हमने आलू मिलाया, सभी मसाले मिलाए, अगर आप चाहें तो इसको दही के साथ, आलू की सब्जी के साथ, नहीं तो आप इसे ऐसे कोरी भी खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आलू मिलाया और सभी मसाले मिले हैं। देखिए, मैंने आपके सामने इसको तोड़ा है और तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसको दही के साथ सर्व करें। जैसे कि सबसे पहले हमने बनाई, इसको टेस्ट किया, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी। अगर मेरे चैनल आप पे आपको वीडियो पसंद आए, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।